अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो, चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को जानना चाहते हैं, यानी आप क्लास टेंथ के तैयारी कर रहे हैं, इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख करके नाखून क्यों बढ़ते हैं इनसे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव यानी गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव का आंसर जान सकते हैं। आप अपने मोबाइल से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विधा है, या कह रहा है कि गद्य की कौन सी विधा है। चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी ललित निबंध। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी ललित निबंध। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? चार ऑप्शन, ए मनुष्यता के, ऑप्शन बी सभ्यता के, ऑप्शन सी पांचवी वृत्ति के, ऑप्शन डी सौंदर्य के। ऑप्शन सी पांचवी वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? चार ऑप्शन है, 1907 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1904 ईस्वी। ऑप्शन ए 1907 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्व के बंधन को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन बी अनजान समितियों को, स्मृतियों को, स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 5, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? चार ऑप्शन, मैक्स मूलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। ऑप्शन डी जापान में। क्वेश्चन नंबर 7, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? चार ऑप्शन, ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, सी निबंध, डी नाटक। ऑप्शन बी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत क्या है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। ऑप्शन डी पुराण। क्वेश्चन नंबर 9, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, राक्षस, प्रकृति, पशु। ऑप्शन सी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 10, उत्स का अर्थ है ऊपर, उत्सर्ग, उत्सव, स्रोत। ऑप्शन डी स्रोत। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरियां, भालू, हाथी। ऑप्शन बी बंदरियां। बंदरियां। क्वेश्चन नंबर 12, सिख थक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। ऑप्शन डी मॉम। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? ऑप्शन सी नेता। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, मानववादी, देववादी, दानववादी। ऑप्शन बी मानववादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। ऑप्शन सी कहानी। इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? चार ऑप्शन, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सी नाथ सिद्धों की बानियां, डी चारू चंद्र लेख। ऑप्शन सी
ऑप्शन बी प्राचीन भारत के कला कलात्मक विनोद। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? ए प्रेमचंद पुरस्कार, बी कुमारन पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन होगा? ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन डी। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, और शिक्षित जीवन में, और विकसित जीवन में। ऑप्शन ए जंगली जीवन में। क्वेश्चन नंबर 20, असुरों के पास नहीं थे विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। ऑप्शन डी लोहे के अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 21, दंताव लंबी का अर्थ है? ए में है लंबे दांतों वाला, बी में है दांत का सहारा लेकर जीने वाला, सी में है दांतों वाली, डी में है भाषण को धारण करने वाला। ऑप्शन बी दांत का सहारा लेकर जीने वाला। क्वेश्चन नंबर 22, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, एटम बम पर। ऑप्शन डी एटम बम पर। भारत कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के समारता था? ऑप्शन बी 2000 वर्ष पहले का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णचंद्र गांधी। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25, संवेदना का उपयुक्त अर्थ है? ए में है सामवेद, बी में है दूसरे के दुख को महसूस करना, सी में है समान वेदना, डी में है विशेष वेदना। ऑप्शन बी दूसरे के दुख को महसूस करना। क्वेश्चन नंबर 26, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सांस्कृतिक आत्मगौरव, बी में है स्वाधीनता, सी में है देशभक्ति, डी में है देवत्व। ऑप्शन ए संस्कृत आत्मगौरव। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं, चार ऑप्शन, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ शर्मा। ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? चार ऑप्शन है, ए में है अशोक के फूल, बी में है माटी की मूर्तें, सी में है वानभट्ट की आत्मकथा, डी में है साहित्य हिंदी साहित्य का आदिकाल। ऑप्शन बी माटी की मूर्तें। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? चार ऑप्शन, नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। ऑप्शन ए नाखून को। क्वेश्चन नंबर 31, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की।
ऑप्शन सी वात्स्यायन की। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? चार ऑप्शन आपके सामने है, गौर देश, केकई देश, वानहिक देश, गंधार देश। ऑप्शन ए गौर देश। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? चार ऑप्शन, दाक्षिणात्य, पूर्वात्य, मालव, मध्य देशीय, दक्षिणात्य। ऑप्शन बी पूर्वात्य। ऑप्शन ए दाक्षिणात्य। क्वेश्चन नंबर 35, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। ऑप्शन सी इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? चार ऑप्शन, मानव का, पशुता का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी पशुता का। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मूलर का, सुमित्रानंदन पंत का, नलिन विलोचन शर्मा का। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किनकी रचना है? चार ऑप्शन है, दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूले की। ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 38 का बोलो सही ऑप्शन। ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है, अशोक के फूल किनकी रचना है, ये होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गैस पेपर में देख सकते हैं ऑप्शन बी दिया है, जो गलत आंसर है, बी नहीं होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की होगा। क्वेश्चन नंबर 39, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? चार ऑप्शन, अधीनता, स्वाधीनता, उन्मुक्त, उच्च श्रृंखलता। ऑप्शन बी स्वाधीनता। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई? 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में, 1994 कानपुर में। ऑप्शन ए 1979 दिल्ली में। देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण, नखास्त्र के कारण, लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण। ऑप्शन बी लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। चार ऑप्शन, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, बी में सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, सी में है स्वार्थ का भाव रखना, डी में है भौतिक विकास करना। ऑप्शन ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। तो इस प्रकार से आपने
नाखून क्यों बढ़ते हैं से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानना हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि रेस्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।